अगर आज हमको यहाँ तक कोई लेके आया है तो हमारी श्रद्धा लेके आए हैं दोस्तों। फुली शर्तों के चिराग कब के बुझ गए होंगे? फुली शर्तों के चिराग कब के बुझ गए होंगे? कोई तो है तो इन हवाओं को थामेंगे। साल हो गए आज काम करते, लाखों लोग ज्वाइन हुए, लाखों चले हुए। एक 11 पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ, आज भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे जीवन की जो डोर है वो हमारे भगवान के हाथ में है। भगत पीपा, मंत्रियों की मीटिंग बुलाई राजा पीपा ने और कहा कि मुझे गुरु धारण करना है। इस समय धरती में कौन सा ऐसा शख्स है जो गुरु के योग्य हो? मंत्रियों ने बहुत विचार विमर्श किया और कहते महाराज आप महाराज हैं, प्लीज अगर आपको कोई गुरु चाहिए तो फिर उस लेवल पे चाहिए। यस कोई छोटे मोटे आदमी को बोल दिया कहते मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे शांति प्रदान करे, जो मुझे जीवन का वो ज्ञान बताए जो आज तक नहीं मिला। वो कहते हैं महाराज यहां पे एक बहुत बड़े आदमी का नाम चलता है, उनके जैसा उनसे बड़ा शांति इस समय कोई भी नहीं है। कहते वो कौन? कहते महाराज जूते बनाने का काम करते हैं। यस सर। जूते बनाने का काम हाँ, लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा है। यस सर। कहते कोई नहीं, हम चल के जाएंगे उनके पास। मंत्री बोलते महाराज रात तैयार कर देते हैं, दो चार मंत्री साथ में ले जाते हैं, तब जाके उनको बोलते हैं कि राजा जी आ रहे हैं। आपको तो पता नहीं कितने गुण है राजा पीपा में। कहते नहीं, मुझे गुरु धारण करना है, कोई लड़ाई थोड़ी ना करनी है, मैं पैदल जाऊंगा, बिना किसी सैन्य शक्ति के जाऊंगा, जूते भी उतार दिए और चले गए गुरु के पास। गए एक काम कर गए, लेकिन जाते समय मंत्रियों ने एक बात कही थी, कहते महाराज कुछ साथी माफ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो जाति बहुत छोटी है, तो दुनिया कहीं आपके ऊपर कोई कमेंट ना करे। राजा पीपा कहते हैं जाति जो मर्जी हो यार, मुझे गुरु धारण करना है। वहां पे गए वो तो वो अपने जूतों का काम कर रहे हैं और वहां पर पानी रखा हुआ है, वो भी किसी पशु की खाल में रखा है। जैसे वो वहां जाते हैं उन्होंने प्रणाम किया, वो कहते हैं राजन कैसे आया? उन्होंने पूरी बात बताई कि जी मुझे आपको गुरु धारण करना है, मुझे आपको गुरु बनाना है। कहते राजन बहुत औखा सौदा होता है, जान की बाजी भी लगानी पड़ जाती है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है ना शीश के जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाना। कहते राजन जान की बाजी लगानी पड़ती है। कहता भी दे दो। उन्होंने आंखें बंद की और उसके अंदर नजर घुमाई, देखा कि बहुत ईमानदार आदमी। मन में विचार आया कहां मजदूरी करता रहेगा, कहां जाके धक्का खाता रहेगा, इसका तीसरा नेत्र आज ही छोड़ देते। उन्होंने बुलाया, कहते राजा इधर आओ। जैसे राजा पास में गए वो जो जानवर के
चमड़े में पानी भरा हुआ था, बदबू मार रहा है, वो लोटा भरा और कहते हैं पी ले। जैसे ही सब कुछ भैया कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी शंका कर बच्चों वाला पानी अगर आती है तो पीपा के मन में विचार आ गया और इन्होंने ऐसे तो हाथ कर दिए लेकिन नीचे से हाथ खाली रखे। यस गुरु जी, दुनिया को नजर आ रहा मैं पी रहा हूं लेकिन पूरा नीचे का। अभी राजा की पोशाक पहनी हुई थी, सोने की तारों से वो सिलाई की हुई है। एक बार जो था उस पानी का गंदे पानी का उनके कपड़ों में लग गया। एक बार घर पे वापिस आए तो वो दाग जा ही रहा है, जो उनका धोबी था उसको बोला तो वो जा ही रहा है। उन्होंने एक दूसरे धोबी को बुलाया, उन्होंने कहा ये राजा की पोशाक है एकदम साफ हो चुका है। वो धोबी जब धोने लगा वो दाग नहीं जा रहा है, वो दाग जा ही रहा है। धोबी की लड़की थी, जब उसने देखा मेरे पिता दो तीन दिन से एक ही काम पे लगे हैं तो उसने कहा पिताजी क्या कर रहे हो? कहते बेटे राजा की पोशाक है, यानी ये दाग पड़ गया, दाग नहीं जा रहा है। औरत परंतु बहुत गला होती, बहुत ज्यादा गला होती। कहते पिताजी ये तो सिंपल सा काम है। कहते कैसे? कहते ये पोशाक पूछ दो। उसने बच्ची ने वो पोशाक ली और उसको मुंह में डाल के चूस मार दी। चूस कहते पिताजी ये दाग में ऐसे ही चूस लूंगी। और इतिहास गवाह कि जब मुंह की गर्मी लगी उसने 2-5-10 बार कसा वो दाग हटा। लेकिन जैसे वो दाग हटा वो जो दाग था पानी का वो लड़की के अंदर चला गया। लड़की बेहोश हो गई, घर में शोर मच गया, हुआ क्या? यस सर। और एक डेढ़ घंटे बाद जब लड़की की आंख खुली तो लड़की का तीसरा नेत्र खुल चुका था। तीसरा नेत्र, अभी लड़की बंदे के पिछले जन्मों का भी सब कुछ, आगे के जन्मों का भी सब कुछ दुनिया को बताने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास आ रहे हैं। बात पहुंचते पहुंचते राजा पीपा तक पहुंच गई। बात पहुंचते पहुंचते राजा पीपा तक पहुंच गई कि धोबी की लड़की इतनी ज्ञानी हो गई है कि वो तो देश दुनिया की खबरें बता रही है। राजा पीपा था तो खाती कहते हम भी इस बच्ची के दर्शन के लिए जाएंगे। वहां पे अनाउंस कर दिया गया कि इस लड़की के दर्शन राजा पीपा भी आ रहे हैं। राजा पीपा जैसे ही उस बच्ची के पास जाते हैं और वो बैठी हुई है, राजा पीपा उसको प्रणाम करने लगते हैं और बच्ची आती है और कहती है राजन आप मुझे प्रणाम मत करो क्योंकि मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है ये आप ही की वजह से हुआ। राजा पीपा कहते हैं मेरी वजह से कैसे हुआ? मैंने कह दिया। कहती महाराज मुझे नहीं पता लेकिन वो आपके कपड़े धोने के लिए आए थे तो पिताजी से दाग दाग लगा था, मैंने वो चूसा, बस उसको चूसने के बाद ही मेरा तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही ये बात राजा पीपा ने सुनी राजा पीपा धरती पे गिर गया और माथा फोड़ने लगा। कहता वाह रे गुरु वाह, एक दाग से अगर इस बच्ची का जीवन धन्य हो सकता है तुमने तो मुझे पूरा लोटा ही दिया था यार, पूरा लोटा दिया था। फिर दौड़ा गुरु के चरणों में गिर गया, कहता प्रभु माफ करो गलती हो गई। गुरु तो गुरु है। कहते राजन सब जो चीज मैं तुझे एकदम ही दे रहा था अब भी
अब तुझे उस चीज के लिए कई सालों तक तपस्या करनी पड़ेगी, कई सालों मिलेगी जरूर, कई सालों तक तपस्या करनी पड़ेगी। वो कहता महाराज कुछ शॉर्टकट कहते नहीं, तू एक चीज समझ कि जब तुमने मुझे अपना गुरु धारण कर ही लिया था या कर ही लिया था तो एक चीज सब फिर गुरु तुझे गलत चीज देगा नहीं, गुरु तुझे गलत चीज देगा नहीं यार, हमें भरोसा होना चाहिए अपने क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि इस बिजनेस में खाली आप कामयाब नहीं हो रहे हो, हम भी हो रहे हैं, हम ही नहीं हो रहे हैं, आप भी हो रहे हैं। पौधों की सेवा करने से फूल मिलते हैं, आम